राजस्थान की कला संस्कृति जो है इससे कहीं ना कहीं कलंकित होती है कि हमारे यहाँ भिक्षावृत्ति ज्यादा है। निश्चित ही आने वाले समय पर ये सारे विभाग मिलकर अच्छा काम करेंगे, भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक समाज कल्याण विभाग के अपने छात्रावास भी हैं, जैसे 18 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको समाज कल्याण विभाग के जो छात्रावास है वहाँ उनको वहाँ पर भर्ती करवा दें, उनको पढ़ने के लिए सरकार अपने लेवल पे खर्चा उठवा ले। इस प्रकार का पूरे राजस्थान में सब जिलों में अगर मॉनिटरिंग होगी तो 100%, क्योंकि राजस्थान में ये बहुत बड़ी समस्या है, हर जगह भिक्षावृत्ति हो रही है। इसके बारे में क्योंकि पहले कानून भी बनाया सरकार ने, उस कानून का भी कुछ भी नहीं हुआ, उस कानून की धजे उड़ गई। तो ऐसा कोई ना कोई ऐसा और भी कोई कानून लाए और सरकार अपने लेवल पे जहाँ जहाँ भी है वहाँ इस प्रकार के समाज कल्याण विभाग के छात्रावास से उन बच्चों को वहाँ भर्ती करा के उनको शिक्षा दी जाए तो एक बार एक समस्या मिट सकती है। एक अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा सदन में सभी सदस्यों से अध्यक्ष जी से नम्र निवेदन है कि इस गंभीरता से सोचते हुए कठोर नियम बनाने की आवश्यकता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी संदेश मिले और जो देश विदेशों से पर्यटक आ रहे हैं उनकी भी जेब छीनने से कुछ करें, इस प्रकार की कुछ आश्वस्त करें। श्री बाबाराम विश्नोई बोलना, एक बात खत्म करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दंडात्मक प्रावधान है, 5 साल की मिनिमम सजा, 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। सिंडिकेट जो चलाते हैं भिक्षावृत्ति का, एक वो है जो आर्थिक स्थिति कमजोर होती है उसके बारे में समय समय पर हम लोग उनका रेस्क्यू भी करते हैं उनको। इसमें मुख्य रूप से समाज को जो एनजीओज हैं, हमारे जैसे जो बुद्धिजीवी लोग यहाँ विराजे हैं, उनके भी सहयोग की आवश्यकता है कि वो लोग इसके बारे में एक जन जागरण अभियान जो चलाया जाएगा। इसमें मैंने पूरा प्रेस नोट बनाया, हमने इसमें फंड का प्रावधान भी किया है, 22-23 में 1,95,00,000 का प्रोविजन किया गया, उसमें 38,00,000 हमने खर्च किए, 23-24 में 77,00,000 में से 46,00,000 खर्च किए, 24-25 में 36,00,000 में से 27,80,000 रुपये हम खर्च कर चुके हैं। समय समय पर फिर भी जो जो सुझाव माननीय सदस्यों के आएंगे उस पर प्राथमिकता से विचार करते हुए भिक्षावृत्ति को कम करने का प्रयास करेंगे। माननीय मंत्री जी इसमें ऐसा है कि कई बार कुछ लोग भिक्षावृत्ति करवाते हैं और वो एक प्रकार का ठेकेदार बन करके बच्चों से भिक्षावृत्ति कर, उस पर रोक लगे, इस तरह का नियमों वगैरह में भी संशोधन। इसीलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सिंडिकेट हैं जो इस प्रकार का कारोबार करते हैं, छोटे बच्चों से करवाते हैं, किन्हीं ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर लोग कर, उसके खिलाफ में 5 साल और 10 साल की सजा का प्रावधान ऑलरेडी हमारे पास में है, लेकिन फिर भी जैसा कार्रवाई कठोर करो, जैसा आपका निर्देश है उसको अवश्य ही अमल में लाया जाएगा।